जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.06% की कमी हो गई, जबकि 24 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदादोशुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 19.36% रही। कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 20.85% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटरों की कीमत में 15.69 रुपए इजाफे के साथ फी किलो कीमत 60.18 रुपए हो गई। लहसुन 10.95 रुपए फी किलो, दाल चना 2.44 रुपए फी किलो महंगी हो गई, जबकि बीफ 9.26 रुपए फी किलो और मटन 17 रुपए फी किलो महंगा हुआ। अदादोशुमार के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 3.12 रुपए फी किलो महंगा हुआ। डीजल 2.98 रुपए, पेट्रोल 3.01 रुपए फी लीटर महंगा हुआ। हालिया हफ्ते चावल, कुकिंग ऑयल, ताजा दूध और LPG का घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ, जबकि एक हफ्ते में 7 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में ब्रायलर 15.71 रुपए फी किलो सस्ती हुई, प्याज 1.88 रुपए, आलू 81 पैसे फी किलो सस्ते हुए। एक हफ्ते में अंडे 2.98 रुपए फी किलो सस्ते हुए। हालिया हफ्ते चीनी 36 पैसे फी किलो सस्ती हुई, चीनी की फी किलो कीमत 92.22 रुपए हो गई, जबकि हालिया हफ्ते में 20 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।